हर हर महादेव नमस्कारम। मैं आपका मित्र सुमित रंजन आज आपके लिए लाया हूँ अध्यात्म और विज्ञान के बीच का मेल। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलर प्राप्त हों। मैं Instagram पर शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ सुमित रंजन ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, जिसमें से हमारे ब्रह्मा जी का तीन सिर तो हमें सापेक्ष दिखाई देता है, लेकिन चौथा सिर होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता, ये सर के पीछे होता है। क्या है कि हमें किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए चार फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। पहला तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। उसको खाली बताने के लिए ही नहीं, उसके खुद के एग्जिस्ट करने के लिए भी ये चार चीजें जरूरी पड़ती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय में वो कहाँ पर स्थित है, यानी उसकी टेम्पोरल पोजिशन भी बहुत आवश्यक है उसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए या होने के लिए। तो सन 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था ये चार फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड टाइम, ये चारों चीजें जरूरी होती हैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। जब उन्होंने ऐसा बताया तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब धर्म ने ऐसा हजारों साल से धर्म हमारा बताता आ रहा है तो भी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते और सनातन धर्म को पिछड़ा बताते हैं। सोचिए हमारा धर्म कितना ज्यादा डीप है। हमारे ब्रह्मा जी के पांच सिर हुआ करते थे, जिसमें से चार ही बचे हैं, यानी कि चार डायमेंशन ही अभी एग्जिस्टेंस में बचे हैं हमारे ब्रह्मांड में, और पांचवा सिर भगवान शंकर ने काट दिया था। भगवान शंकर का काटा हुआ ये पांचवा सिर अभी है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड से भिन्न है और ब्रह्मांड से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। सोचिए ये कितनी डीप रिप्रेजेंटेशन है, भगवान ब्रह्मा के अलग अलग सिर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा विज्ञान और हमारा धर्म ये भी कहता है कि मल्टीपल डायमेंशंस वाले भी यूनिवर्सेस हैं। हमारा धर्म ऑलरेडी कहता है कि हजार हजार मुख वाले भी ब्रह्मा उपस्थित हैं, और साइंस भी कहता है हजारों हजारों डायमेंशंस, अनगिनत डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं और अलग अलग मल्टीवर्स के जैसे चीज़ें बना करके रखते हैं। तो कितना डीप है हमारा सनातन संस्कृति कि विज्ञान आज खोज रहा है और हम उस पर गर्व करते हैं और सनातन को पिछड़ा समझते हैं। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कमेंट में लिखेंगे जय हो सनातन धर्म की, हर हर महादेव। अगर आप मेरे से ज्योतिषी सलाह चाहते हैं, मेरे स्क्रीन पर एक लिंक है और ये नंबर दिया है, वहां पर कॉन्टेक्ट करिए, आपको मेरे तरफ से कॉल बैक प्राप्त होगी और ज्योतिषी सलाह भी अवश्य दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशीर्वाद।